सेंसेशनल घटना हुई थी। भारतीय सेना के एक जवान बबलू सिंह जो कि यूट्यूब से आर्मी के जवान की पटना में हुई हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साथ ही अपराध में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने सोमवार को बताया कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र में हुए सेना के जवान से लूट के दौरान हत्या मामले में 5 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और सेना के जवान की वर्दी भी मिली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। हत्या आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे। उन्होंने पैसों के लिए लूटपाट के मकसद से रात के समय रेलवे स्टेशन जा रहे आर्मी जवान को लूटपाट के मकसद से गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए और उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता पाई। साथ ही हथियार भी बरामद किया। 18 अगस्त को एक बहुत ही सेंसेशनल घटना हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के एक जवान बबलू सिंह जो कि मूल रूप से राघोपुर वैशाली के रहने वाले हैं और यहाँ पे खुशीपुर में रहते थे, वो छुट्टी खत्म होने के बाद अरुणाचल जा रहे थे। उनको अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ना था पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से और वो अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पे जा रहे थे। तो तकरीबन 2:45 बजे कंकड़बाग मेन रोड पर चंदन ऑटोमोबाइल्स के पास 5 अपराधकर्मी जो कि 2 बाइक्स पे थे, उनको गोली मार दिया था। और ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था, उस वक्त कोई हमारे पास क्लू नहीं था और ये केस भी बहुत हाईलाइट हुआ था। जैसे ही केस हुआ, क्योंकि इसमें भारतीय सेना के जवान की हत्या हुई थी, तो तुरंत एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, हमारा SAU का टीम, डायल 100 का टीम, SHO कंकड़बाग और SHO चौक, एक टीम हम लोगों ने गठित किया था। इसमें हम लोगों ने जो CCTV फुटेज था घटना स्थल का, उसका बहुत ही विस्तृत हम लोगों ने मुआयना किया था और कहाँ से ये लोग निकले, कहाँ से पीछा कर रहे थे। तो आर्मी जवान थे, शाम को अपने चचेरे भाई के डेरा पर आए थे जो कि कुबरहार है, कुबरहार में रहते थे, वहीं से उनको रेलवे स्टेशन जाना था और 2:45 बजे घटना हो गई थी। जब हम लोगों ने पूरा CCTV देखा तो पता चला कि 2 बाइक पीछा कर रहे थे, बुलेट बाइक और एक अपाची बाइक था, रेड कलर का अपाची बाइक था। जब उस अपाची बाइक को ट्रेस किया गया तो बाद में गोल में रिकवर हो गया। ये बाइक इन लोगों ने उसी दिन अगमकुआ थाना से चुराया था, एक डॉक्टर साहब का बाइक है। ये लोग निकले थे, पहले बाइक को चुराया और उसी दिन ही दूसरी घटना को भी खारिज कर दिया। इस पर टोटल 5 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी के सभी कुख्यात अपराधकर्मी हैं जो कि बहुत बारी पहले लूट, हत्या, डकैती और अन्य जघन्य अपराधों में जेल जा चुके हैं। इनफैक्ट जो मेन गोली मारने वाला है, जिसका नाम शिवम नीरज है, ये अभी 15 दिन पहले ही, घटना से 15 दिन पहले ही जेल से छूट के आया है। और जो एक इसका साथी है कोबरा, जो उसका निकनेम है, वो भी तकरीबन 1 महीना पहले ही जेल से छूट के आया है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पटना पुलिस के लिए। इसमें अभी तक टोटल 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। विवेक कुमार उर्फ विक्की उर्फ कोबरा, ये मूल रूप से गायघाट आलमगंज थाना का रहने वाला है। इसके ऊपर अकेले पटना जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 37 अपराध दर्ज और 2010 से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय है और बहुत बारी जेल जा चुका है। इसके अलावा शिव सम्राट जो कि रानीसराय बख्तियारपुर जिला का रहने वाला है, इसके ऊपर पटना और नालंदा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 12 दर्जन केसेस दर्ज हैं और ये भी जेल से छूट के आया था। शिवम कुमार उर्फ नीरज सिंह जो कि बड़हरा भोजपुर का रहने वाला है, ये भी हत्या और लूट के केसेस में पहले जेल जा चुका है और भी 15 दिन पहले जेल से छूटा था घटना से। मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद राजू फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, ये भी इसका भी आपराधिक इतिहास है। और ऋषु कुमार सिंह जो कि नदिया मार्केट मुद्दा कॉलोनी का रहने वाला है, ये भी पहले हत्या के केस में जेल जा चुका है। इनसे टोटल 2 पिस्टल रिकवर हुए हैं, इंक्लूडिंग वो वाला पिस्टल जिससे आर्मी जवान की हत्या हुई थी। और ये आर्मी जवान का बैग भी लेकर गए थे, ट्रॉली बैग लेकर गए थे, तो इन्होंने जो एक उसमें उनकी यूनिफॉर्म थी वो भी इनके यहाँ से रिकवर हो गई है। 9 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन रिकवर हुए हैं। घटना में जो दोनों बाइक उपयोग हुआ था, एक बुलेट का हुआ था, वो भी इनके निशानदेही पर रिकवर हो गया है और दूसरा बाइक जो इन्होंने अगमकुआ से चुराया था वो भी इसमें हम लोगों को मिल चुका है। तो इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ है
और टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बिकॉज बिल्कुल ब्लाइंड केस था और इस पर पहले प्रयोजन भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका प्रयोजन क्या है, लेकिन उन्होंने अपना खुलासा किया है कि लूट की मंशा से ही इनको लगा था कि हो सकता है कि ट्रॉली बैग में पैसा हो, इसी मंशा से ही।